नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा, श्री राम मंदिर निर्माण में लोगों की नेक कमाई लगे, इसी उद्देश्य से जिला सोलन में 23 जनवरी से श्री राम मंदिर निर्माण धन संग्रह टोली लोगों के घर घर जाकर मंदिर निर्माण के लिए अंशदान एकत्र करेगी, जिसके लिए 10 रुपए से 1000 रुपए तक कूपन तैयार किए गए हैं। इसके अलावा लोग अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अंशदान दे सकते हैं। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निधि प्रमुख गुरदीप सहानी ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए जो निधि समर्पण अभियान है वो हम कल से शुरू कर रहे हैं। कल से यहाँ रथ यात्रा भी निकलेगी, तो इसके लिए टोलियाँ पूरी इनकी रचना हो चुकी है घर घर जाने के लिए। तो भगवान राम जो कि जन जन में बसे हुए हैं, उनके निमित्त हर व्यक्ति का इसमें अंशदान लगे, इसलिए हमारी टोलियाँ घर घर जाएंगी और प्रत्येक हिंदू समाज के प्रत्येक घर में इसका अंशदान निधि समर्पण इकट्ठा करेंगी। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है क्योंकि जो 492 साल पहले हमारे धर्म संस्कृति पर एक आक्रमण किसी बाहरले आक्रमणकारी ने हमारा मंदिर ध्वस्त कर दिया था, उसका पुनर्निर्माण होने जा रहा है। तो ये भगवान राम का मंदिर ही नहीं अपितु हमारे एक राष्ट्र का मंदिर है। भगवान राम क्योंकि हमारे राष्ट्र की अस्मिता की पहचान है, तो अब हमारे राष्ट्र की अस्मिता, इसकी एक पुनर्प्रतिष्ठान, इसका प्रतिस्थापना अब होगी और एक हमारे लिए बड़े गौरव की ये बात है। 70,583 परिवारों तक हम पहुंचेंगे घर घर में,